ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस अधिक मास मल मास यानी पुरुषोत्तम मास में आज आपको मैं दर्शन कराऊंगी श्री हरि विष्णु के जनार्दन रूप का। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु जी का जिस जनार्दन रूप का आज आपको मैं दर्शन कराऊंगी वो किसी आम इंसान द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर नहीं है और जो जनार्दन जी का मूर्ति है वो भी आम मूर्ति नहीं है। खुद विष्णु जी ने इसी स्थान पर प्रकट होकर अपने जनार्दन रूप के दर्शन दिए थे, लेकिन क्यों, कब और किसको विष्णु जी ने भव्य और साक्षात दर्शन दिए थे, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। इस भव्य जनार्दन देवालय के गर्भगृह में बसे विष्णु जी का साक्षात दर्शन हम करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहे। जनार्दन देवालय और शुक्रेश्वर देवालय दोनों मंदिर एक साथ असम गुवाहाटी के फैंसी बाजार में अवस्थित है और जनार्दन देवालय श्री हरि विष्णु को समर्पित है और उसी ओर शुक्रेश्वर देवालय भगवान शिव जी को समर्पित है। ये देवालय जिस पर्वत पर अवस्थित है उसे योगिनी तंत्र में मंदारा पर्वत और कालिका पुराण में हस्तगिरी पर्वत कहा गया है। ये देवालय ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है जहाँ से ब्रह्मपुत्र बहुत ही सुंदर से दिखाई देता है। जनश्रुति अनुसार जनार्दन देवालय बहुत ही प्राचीन समय का है, तब जब विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप या हिरण्यकशिपु कामरूप के राजा हुआ करते थे। जनार्दन देवालय का इतिहास और भक्त प्रहलाद की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही घमंडी थे और साथ ही साथ नास्तिक भी थे। उन्हें विष्णु जी तथा किसी भी देवी देवताओं से बड़ा ही नफरत था। उसी और भक्त प्रहलाद को अपने जन्म से ही विष्णु जी का परम भक्त माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप को ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु जी से गहरी नफरत थी और उसने अपने राज्य में किसी को भी उनकी पूजा करने से मना किया था। हालांकि प्रहलाद जी को विष्णु जी का परम भक्त माना गया है, इसीलिए प्रहलाद जी ने अपने पिता के आदेशों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अपने पिता की चेतावनी और धमकियों के बावजूद प्रहलाद जी ने बड़ी ही भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी जारी रखी। इससे हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को मारने की तरह तरह की कोशिशें की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जनार्दन देवालय और शुक्रेश्वर देवालय एक ही स्थान पर है, तो चलिए जनार्दन देवालय के इतिहास को जानने से पहले दर्शन कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक शिवलिंग का। और यहीं पे गुरु शुक्राचार्य जी ने शिव जी का घोर तपस्या किया था। शुक्रेश्वर देवालय का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ये वीडियो देख के वो वीडियो ज़रूर देखिए। हिरण्यकश्यप के बेटे को यानी भक्त प्रहलाद को अपने पिता ने लाख समझाने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद ने विष्णु जी की भक्ति करनी नहीं छोड़ी और भक्त प्रहलाद को मारने की हिरण्यकश्यप की सारी कोशिश नाकाम हुई, तब हिरण्यकश्यप ने खुद ही अपने बेटे को मारने की ठान ली। तब भक्त प्रहलाद ने इसी मंदारा पर्वत यानी हस्तगिरी पर्वत पर विष्णु जी की घोर तपस्या की और प्रहलाद की भक्ति को देखकर विष्णु जी ने इसी स्थान पर प्रकट होकर प्रहलाद को अपने जनार्दन रूप के दर्शन दिए और फिर विष्णु जी ने नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप को अपने जांघों में लेकर वध किया। उसके बाद भक्त प्रहलाद को कामरूप का राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद भक्त प्रहलाद ने जनार्दन देवालय का निर्माण किया जहां विष्णु जी साक्षात बसे हैं। कहा जाता है कि 17th सेंचुरी के आसपास अहोम राजा स्वर्गदेव परमत्त सिंह ने जनार्दन देवालय का रिनोवेशन किया। जनार्दन का अर्थ है भगवान विष्णु श्री कृष्ण जो लोगों की मदद करते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। जनार्दन का और एक अर्थ भी है, वो जो सभी जीवित प्राणियों का मूल निवास और रक्षक है। इस पवित्र जनार्दन देवालय में भगवान विष्णु जी ने साक्षात अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे और तभी से माना जाता है विष्णु जी यहाँ युगों युगों से साक्षात अपने जनार्दन रूप में बसते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।